पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहदें इंसानों के लिए है, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। ये चंद लाइन है रेफ्यूजी फिल्म की, जिसमें सरहद के पार प्यार की कहानी दिखाई गई थी। लेकिन प्यार सरहद नहीं देखता, प्यार दो देश की दूरियां नहीं देखता। जबकि वो देश भारत और पाकिस्तान हो तो वो दूरियां और भी मायने रखने लगती हैं। ये सब हम आज आपको क्यों कह रहे हैं, चलिए बताते हैं पूरी कहानी। भारत पाकिस्तान की सरहदों पर कड़वाहट लगातार जारी है, लेकिन आज भी भारत पाकिस्तान के नागरिकों के दिलों के रिश्ते अभी भी जुड़े हुए हैं। यह रिश्ते इतने गहरे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहन और बेटियों की शादी तक हो रही है। ऐसा ही एक मामला जोधपुर में देखने को मिला। जोधपुर शहर के मुजम्मिल खान के साथ के 2 जनवरी को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निकाह पढ़ने वाली पाकिस्तान के मीरपुर खास की उरूज फातिमा अब 138 दिन बाद अपने ससुराल अपने पति के पास जोधपुर पहुंची है। अब घर में खुशियों का माहौल है। दूल्हे के दादा भाले खान मेहर बताते हैं कि पाकिस्तान से दुल्हन को भारत लाने के लिए देरी से वीजा मिलने के कारण बताया है। पाकिस्तान की बेटी अब भारत के बेटे की दुल्हन बनी है। दुल्हन भारत पहुंचकर बहुत खुश है। दूल्हे के दादा भाले खान मेहर ने बताया कि मैं पाकिस्तान गया था, मेरी दोहिती लगती है, उसने मेरी बहुत सेवा की थी तो मैंने इसे मेरे पोते के लिए पसंद किया। ससुराल आने के बाद फातिमा जोधपुर के सूथला में अपने ननिहाल गई। वहीं दूल्हे के दादा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को इसका श्रेय दिया है। तो वहीं दुल्हन फातिमा का कहना है कि हमारी शादी ऑनलाइन हुई थी, हिंदुस्तान आने में मुझे 2 महीने लग गए और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है।